आज के समय जहां रशिया से इंडिया को S-400 मिलने वाले हैं, इस चीज़ की जहां सुर्खियां बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बैड इम्पैक्ट, बैड फीलिंग अमेरिका को हो रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो एक बिजनेस है वो भी इस पे इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत से रशिया जो व्यापार कर रहा है वो ना करे जो हम करते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से भारत को लुभाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अगर आज हमारे पे कोई विपत्ति आती है तो दोनों में से कोई भी देश हमारी मदद के लिए आएगा जरूर, इस बात की श्योरिटी है। और इस बात की श्योरिटी को देखते हुए जहां रशिया हमें S-400 दे रहा है, वहीं अमेरिका ने भी अपना हाथ और कदम दोनों बढ़ा दिए जोरों शोरों से कि पूरी दुनिया को ये मालूम तो चलना चाहिए कि आखिर भारत की वैल्यू इंटरनेशनल पैसिफिक में क्या एक इंपॉर्टेंस रखती है। इस चीज़ को देखते हुए भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव का अंतिम रूप देने को तैयार है। तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इस ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपए, लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का इस पर खर्च किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी है। TV9 भारत और से न्यूज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। उन्होंने बताया है कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस MQ-9B ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा परिषद के तरफ से कुछ हफ्तों पहले मंजूरी देने की संभावना आ चुकी है। उसके बाद प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नीति कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि कीमत और हथियार पैकेज सहित खरीद से जुड़े विभिन्न प्रमुख पहलुओं को पहले से ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष तक अमेरिका के साथ मेगा सौदे पर मोहर लगने की तैयारी है। इंडियन नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह प्रस्ताव शीघ्र ही DSE के सामने रखा जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में संवाददाता से कहा है, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता से कहा है कि खरीद प्रक्रिया का पूरा प्रयास है, ये हम बहुत मुश्किल से और बहुत ही संतुलित निर्णय लेते हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों की राय ली जाती है। प्रक्रिया जारी है और हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इसलिए जल्द ही सर DSE के समक्ष लाया जाएगा। अगर इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इन ड्रोन की खरीद के लिए प्रस्ताव जो किया गया था और तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने की संभावनाएँ हैं। इंडियन डिफेंस कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित रिमोट संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने सहित कई मकसदों के लिए तैनात किया जा सकता है। प्रीडिएटर ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसीलिए इंडियन अब जो अमेरिका कहीं ना कहीं अपना हाथ और कदम दोनों आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया के लिए, वो हाथ कहने का मतलब ये कि हाथ आगे बढ़ाने का मतलब कि भारत को हेल्प करने के लिए भी तैयार है और कदम बढ़ाने का मतलब भारत के साथ इनिशिएटिव लेने के लिए भी तैयार है। पूरे क्वाड समूह में जितने भी 4 देश हैं, 4 देश में अभी तक किसी भी देश को इसने ये टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र की जो भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। साथ ही साथ इतने बेहतर सौदे को पूरी दुनिया में अमेरिका ने अभी तक किसी के साथ नहीं किया जो भारत के साथ करने वाला है। तो इससे मालूम चलता है कि इंडिया की इंटरनेशनल पैसिफिक में जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिमार्केबल है। इस मोमेंट पे, इस ग्लोरियस न्यूज़ से आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।